सो हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है गाइस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आपका अकाउंट आपको बैन नहीं करवाना हो तो। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो इनविजिबल बाग आया है नया, पहले से था इस बाग लेकिन फिर से ये बाग आया है इनविजिबल बाग का। तो गाइस इससे जो है आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं इनविजिबल बग क्या होता है। तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा इस बग के मदद से आप जो है इनविजिबल हो सकते हो गेम पे, कोई भी आप हर बंदे को देख सकते हो लेकिन हर कोई भी बंदा आपको नहीं देख पाएगा इस। तो गाइस इसका जो फ़ायदा है गाइस इसके मदद से आप जो है आपको कोई देख नहीं पाएगा, तो आप बहुत ही आसानी से बंदे को किल कर सकते हो और बुआ ले सकते हो। अगर इसका जो डिसएडवांटेज है गाइस, इसका डिसएडवांटेज बहुत ही बड़ा है। इसके अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका आईडी बैन भी हो सकता है गाइस। अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये तो बग से, ये तो कोई हैक नहीं है, हम तो हैक नहीं कर रहे हैं, ये फ्री फायर की तरफ से बग आया है तो इससे हमारा आईडी जो अकाउंट है क्यों बैन होगा। तो गाइस उनको क्यों बैन होगा उसका जो रीज़न है मैं वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, जो ट्रिक्स है कैसे इनविजिबल होना है वो ट्रिक्स मुझे पता है, लेकिन वो जो ट्रिक्स है मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, ट्रिक्स के बारे में नहीं बताऊंगा। ये लाइन सुन के बहुत सारे लोग जो है वीडियो को अभी स्टॉप करके जाने वाले हैं, लेकिन गाइस वीडियो को छोड़ने से पहले एक बात समझ लो, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं इस ट्रिक्स को, एक बार करने से क्या होगा। तो गाइस अगर आप एक बार करोगे तो आपका आदत हो जाएगी गाइस, बाद में दिक्कत आ सकती है, आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। इसलिए मैं आपको बुरा नहीं चाहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए मैं जो है एक ट्रिक्स नहीं दिखाने वाला। तो गाइस उसका जो रीज़न है क्यों आपका आईडी जो है बैन हो सकता है, तो गाइस उसका सिंपल है। तो गाइस देखोगे कोई बंदा अगर आपको किल करता है, जब आपका उसका जो गेम प्ले है गाइस देखोगे आपका जो मोबाइल पे है स्क्रीन पे शो होगा। तो उसके बाद इसे सिंपल है, अगर आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करके किसी बंदे को मारोगे या जब मारोगे बंदे को आप दिखाई नहीं दे रहे हो, तो जब मारने के बाद तो बंदा लगेगा कि आप इनविजिबल होके उसको मार रहे हो, आप कुछ हैक कर रहे हो। जैसे कि यार देखो एक कार बा बाइक लेके आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको दिखाई वो आपको नहीं देख सकता, लेकिन वो देखेगा सिर्फ एक कार और जो बाइक है वो उसके पास आ रहा है उसको मार रहा है। तो गाइस वो क्या समझेगा कोई बंदा है जो हैक करके खेल रहा है, तो सिंपल क्या करेगा आपके आईडी पे जो है रिपोर्ट कर देगा। तो गाइस रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है, गरीना वाले जब किसी भी अकाउंट पे ज़्यादा रिपोर्ट आ जाएंगे तो गरीना वाले उनको बैन कर देंगे आईडी को। तो ऐसे ही आईडी को आप बैन कर देते हैं गाइस, इस ट्रिक को इस्तेमाल करके ऐसे ही बैन होता है। समझ में आया गाइस मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। अगर कोई बंदा आपको अकाउंट में अगर रिपोर्ट करता है, उस समझता है या आप हैक करके खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली गरीना वाले जो है बैन कर देंगे, और गरीना वालों की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है गाइस उसे बैन भी कर सकते हैं, और जो है आपका जो डिवाइस भी बैन कर सकते हैं। इसका मतलब आप किसी आपके जो मोबाइल पे और एक अकाउंट नहीं खोल सकते हो गरीना फ्री फायर के। तो गाइस ये इसके कारण ही मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा और मैं ये ट्रिक नहीं दिखा रहा हूँ आपको। तो गाइस आप समझ लो कौन सी ठीक है कौन ठीक नहीं है आपके लिए। जैसे कि और एक बात, अगर आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करके खेलोगे तो गाइस आपका तो स्किल आप बुआ हो जाओगे, लेकिन आपका जो स्किल है वो इम्प्रूव नहीं होगा। वो बग्स फिक्स होने के बाद जो है आपका जो देखोगे आप नूब की तरह ही खेल रहे हो, तो क्या फ़ायदा गाइस आपको यहाँ पे। अगर आपका खुद का स्किल इस्तेमाल करके आप 3-4 मैचों में एक बुआ लेते हो तो यही बहुत बड़ी बात है गाइस, यही इसमें सच्ची खुशी मिलेगी आपको, दिल से खुशी मिलेगी। तो गाइस मैं जो समझा रहा हूँ आप समझ लो, मैं बस एक ही जिस समझाने इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखो गाइस बहुत सारे जो बग्स हैं आते रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गेम पे जो बग्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन कौन सा बग आपके लिए सही है, आपके गेम के लिए सही है आपके, और कौन सा बग आपका गेम के लिए सही नहीं है वो खुद आपको ही समझना होगा। जैसे कि देखो ऑटो हेडशॉट का जो बग्स है उसका इस्तेमाल करके आप उधर किसी को बंदे को मारोगे तो बंदे को क्या लगेगा, भाई ये तो प्रो बंदा है इसलिए हमको हेडशॉट मार दिया होगा शायद। लेकिन अगर आप इस इनविजिबल होकर किसी को मारोगे तो बंदे को लगेगा आप हैक कर रहे हो, इसलिए आपको जो है वो आईडी पे आपका रिपोर्ट करेगा, तो रिपोर्ट करेगा तो आपका आईडी बैन हो जाएगा गाइस। तो समझ में आया क्यों मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक्स मत इस्तेमाल करो।
लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही जो है रिफंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके बहुत अकाउंट जो है बैन हो चुका है। तो गाइस आप मत इस्तेमाल करो ऐसे, किसी के भी बात में आके मत इस्तेमाल करो ऐसे बग्स ऐसे ट्रिक्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो बात है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर गाइस मेरे बात आप लोगों को समझ में आए और आप मेरे बात से एग्री करते हो तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक कर देना एक, और अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को गाइस शेयर कर दो ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले और ताकि वो ऐसे ट्रिक्स ना इस्तेमाल ना करें और उनके अकाउंट भी बैन ना हो गाइस। और ये काम कर देना मेरे चैनल को, अगर नए आ रहे हो तो अगर ये वीडियो से कुछ हेल्प मिले तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपकी भाई की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो उसके पहले गाइस और एक बात बता दूँ, मुझे पता है कि जो वीडियो है ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाएगा क्योंकि मेरा चैनल अभी छोटा है, लेकिन अगर कोई 10-20 व्यूज आए, कोई 10 बंदे में से अगर 2-3 बंदे मेरे बातों को समझ ले और ये ट्रिक ना आजमाए तो उनका आईडी जो है बच जाए तो गाइस सबसे खुशी मुझे ही होगी, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है मेरे पे कुछ बिलीव है इसके लिए उन लोगों ने मेरा चैनल का वीडियोस देखते हैं। तो गाइस मैं उनका जो बिलीव है मेरे पे वो बिलीव नहीं तोड़ सकता गाइस। तो बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो। थैंक यू।